हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे एक MRF टायर, ठीक है, ओरिजिनल या डुप्लीकेट कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, ये मैंने क्या MRF स्टोर से परचेज किया था, ठीक है, 2 दिन पहले। ये मेरा साइज है, देखिए फ्रेंड्स, ये MRF का लोगो है, ठीक है, और आपको सीरियल नंबर पता करना है। ठीक, ये देखिए मेरा जो टायर का साइज है 3017 का, ठीक है, 50P नायलन ग्रिप है। ये जो फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये जो ये सबसे बड़ी निशानी है ओरिजिनल होने का, ठीक है। और एक बार अगर ये नहीं होगा तो ये जो ट्यूब आपको मिल रहा है, ये MR की तरफ से मिल रहा है या दूसरा कोई दे रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात आपको नोटिस करना होगा, यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, शायद फोकस नहीं हुआ। हाँ जी, ये जो सीरियल नंबर है, ये जो हो रहा है, ठीक है, 26/3/2018 का ये MR, 26/3/2018 का ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ठीक है। ये देखिए 02 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट, ये क्वालिटी चेक में पास हुआ है। अगर क्वालिटी चेक में पास नहीं होगा तो आपका ये MRF टायर कभी भी MRF स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। MRF स्टोर पर अवेलेबल होगा तभी, तो ये जो क्वालिटी पास है ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। ये 02/03/04 आपको स्टाम्प पर ही मिलेगा, ठीक है। और एक बात आपको नोटिस करना होगा, क्यों मैंने MRF टायर क्यों चूज किया, ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, 3017 का है, शायद फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ जी, 3017 का है, ठीक है, वो 6PR 50P, ठीक है। लेकिन ये जो टायर है, जो 50P का मतलब है आप अच्छी ग्रिप है, ठीक है। कभी कभी 48 का मिलता है, 48 या 47 का, कभी कभी 48P या 47P आपको मिल जाता है। और अगर दूसरी ब्रांड आप चूज करेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं होगा। मैं यही ब्रांड MR का ब्रांड यूज करता हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा है, ये 40,000 किलोमीटर तक आपको मिल जाएगा रनिंग के लिए। हाँ, आपको सियाट या दूसरा कोई ब्रांड आप ले लेंगे तो आपको 25,000 से 28,000 तक आपको मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये MR टाइप ले लेते हैं, ठीक है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है, ये आपको कोई भी स्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रफ रोड है, ठीक है, आप विलेज में कभी कभी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और आपका विलेज में ही आपका घर है तो ये सबसे अच्छा है, मिट्टी के लिए भी सबसे अच्छा है, और ये हार्ड मटेरियल है, ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन जो सियाट का टायर है, वो दूसरे ब्रांड का टायर है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि क्विकली घिस जाता है, लेकिन ये घिसेगा नहीं, ये बहुत टाइम तक 40,000 किलोमीटर तक ये चलेगा। मैं ऑलरेडी MRF टायर्स में 4 बार परचेज कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो बाइक है, ये बजाज का बाइक है, ये मैं 2 लाख किलोमीटर एंड 15,000, ठीक है, ऑलरेडी मैं रनिंग कर चुका हूँ। अभी भी मेरा जो टायर है अभी घिसा नहीं है, फिर भी मैंने परचेज करके रख लिया क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। प्राइस मुझे 1650 रुपये में मिल गया था, लेकिन कोई 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 जो एक्सक्लूसिव स्टोर है वो 1900 रुपये में आपको दे रहा है। लेकिन आप सर्च कीजिए, ठीक है, पहले आप कस्टमर केयर से बात कीजिए, आपको कौन सा टायर लेना है उसका मॉडल नंबर बताइए और प्राइस उनको पूछ लीजिए। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि ये 1700 रुपये में आपको मिल जाएगा,
लेकिन मैं जो भी एक्सक्लूसिव स्टोर में गया वो 1900 रुपये में मुझे मिला, ठीक है। लेकिन मैंने फिर एक रूरल एरिया में एक एक्सक्लूसिव स्टोर था उस पर मैं गया, ठीक है। उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि कितना में आएगा। उन्होंने बोला कि 1650 रुपये में आपको मिल जाएगा विथ GST बिल एंड वारंटी, ठीक है। आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा और बिल मिलेगा, ठीक है। GST बिल, आपको GST बिल पे करना होगा, ठीक है, तभी आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। अगर GST बिल नहीं है, कोई भी फूल जाता है टायर या ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये बीच जब तक है आपके पास, ठीक है, वो घिसेगा नहीं, आपको वारंटी में कवर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कभी भी हाँ, एक टायर परचेज करने का बिल हमेशा मांगिए, GST बिल मांगिए, ठीक है। और हाफ वारंटी कार्ड होता है MRF का, उसको हम जरूर ले लीजिए। सबसे अच्छा अच्छा होता है वारंटी कार्ड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ये टायर का फूल जाता है कभी, यहाँ पर सोलिंग हो जाता है, ये टायर ऐसे जो ये जो ये है ना, ये सोलिंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है, इसके लिए हम वारंटी में क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ये आपको पता नहीं होगा, सभी को पता नहीं होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। अब क्वालिटी, सबसे देखिए क्वालिटी, उसके बाद आप परचेज कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक बात, ये जो टायर है यहाँ पर स्टील ग्रिप आपको मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर ये कोई खो गया था, इसलिए दुकानदार ने मुझे दिया नहीं, ये प्लास्टिक का ग्रिप मुझे पकड़ा दिया। मैंने उसको पूछा कि क्यों नहीं है आपके पास, मैंने वो सोचा कि हाँ 50 रुपया में तो ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने परचेज कर लिया, ठीक है। 1650 रुपया में ये MR का मेटोरो ग्रिप, मेटोरो M, ठीक है, ये मॉडल है, ये रियर का, ठीक है, पीछे का टायर है, सबसे अच्छा होता है। मैंने 4 टायर ऑलरेडी MR का टायर ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ, ये 4 नंबर का है, ठीक है। मैंने एक भी बाइक पे ही परचेज किया था, ठीक है, बाइक खरीदने समय एक जो डनलप का टायर मिला था, उसके बाद मैंने ही सिर्फ यही टायर ही परचेज किया। ऑलरेडी मेरा जो टायर है वो 3 बार घिस चुका है, ठीक है, तो 3 बार 40,000 आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 4 बार, ठीक है, 1.2, ठीक है, किलोमीटर 1,20,000 किलोमीटर ऑलरेडी मैं MR टायर में घिस चुका हूँ, ठीक है। और 70,000 ऑलरेडी डनलॉप टायर में मुझे मिला था, 60-70, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो 2 लाख के आसपास हो जाता है, ठीक है। और उसके बीच में मैंने एक लोकल टायर 200 या सेकेंड हैंड का टायर मैंने लागू किया था, मैंने इंस्टॉल किया था मेरे बाइक में, वो 20,000 या 10,000 किलोमीटर ऐसे चला था, ठीक है। लगभग मैंने ऑलरेडी आज तक 2,20,000 किलोमीटर तक मैं रनिंग कर चुका हूँ। ये मेरा टायर है, ठीक है, एक फोर्थ टायर है, ठीक है। मैं सभी जो मैंने परचेज किया था सभी मेरा बिल है, मैं सभी में यूज कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये सबसे अच्छा मांग लेता हूँ, ठीक है। ये 40,000 किलोमीटर तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ये पानी में दिक्कत आएगा या रोड में कच्चा रोड है, ठीक है, आपको ये स्लिप नहीं करेगा कभी भी नहीं। जितना भी ब्रेक में मारता हूँ, कोई भी यूज करता हूँ तो स्लिप नहीं करेगा, ये सबसे अच्छा है। और यही ध्यान रखिए, ये MR का लोगो है, ठीक है, आपको शायद दिखाई दे होगा MR का, ठीक है, स्टाम्प है। अगर ये नहीं होगा तो आप परचेस मत कीजिए कभी भी, ठीक है। यहाँ पर एक MR का लोगो है, ठीक है। अगर आप ये लोगो आपके पास नहीं है, आपके टायर में नहीं है, तो आप परचेज मत कीजिए, वो डुप्लीकेट हो सकता है। इस समय से के लिए आप देखिए। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा 3.0 जो टायर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3.0017, ठीक है। क्या करते हैं ना, ये जो निकल लेते हैं इसी को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 170 रुपीज़ में मिल जाता है लोकल रेट में, यहाँ पर लिखा होगा
पॉइंट सेवन फाइव और 3100 17 एक आगे के लिए और पीछे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड परचेस करते हैं, ओरिजिनल है, ऑथेंटिकेट है, तो आपको ये जो भी टायर का, यहाँ पर देखिए 3.00, यहाँ पर मेरा टायर है 3.00 17, ठीक है। वहीं पर भी ठीक है, जो आपका ट्यूब है वो भी 3.00 17 ही होगा, ठीक है। कभी कभी जो डुप्लीकेट टायर होता है ना, ये 3.00 17 तो होगा, लेकिन यहाँ पर 2.75 और 3.00 17 ही होगा। चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डुप्लीकेट होता है। अब हमेशा वो जो सील पैक पहले आप चेक कीजिए, सील है या नहीं है, यूज हुआ है, सील यूज हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद चेक कीजिए। अगर सील है तो ठीक है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिकेट है, और यहाँ पर आप लोगों दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप सील नहीं है तो 3.017 और यहाँ पर भी नीचे आप देख सकते हैं 3.017 है। यहाँ पर देखिए 4 जून 2018 का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो ट्यूब है 4 जून 2018 का है, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 02 लिखा हुआ है, 26/3/2018 का है। ये जो टायर है, ठीक है, वो 26/3 को निकला हुआ था या मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, और ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये जुलाई को हुआ था, ठीक है। ये अभी अभी जून जुलाई अगस्त महीने में ये मार्केट में आया होगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम चूज कर सकते हैं अपना जो अच्छा टायर हमारे बाइक के लिए, क्योंकि हम जो बाइक ही हमारे एक प्रोडक्ट है जो टायरिंग और रोड के बीच में कॉन्टैक्ट को जोड़ता है, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे, तो आपको एक्सीडेंट भी कभी कभी हो सकता है, टायर भी कभी भी चल नहीं पाएगा। अगर कोई भी ब्रांड अगर दूसरा ब्रांड आप ले लेंगे तो आपको वो 25,000 से 28,000 किलोमीटर से ज़्यादा कभी भी कोई टायर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, रनिंग नहीं होगा। लेकिन ये MR का टायर, ये मेट्रो एम ये आपको हमेशा के लिए आपको 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज मैंने एक ये परचेस किया था, ये होममेड चीज़ है, ठीक है, इसलिए आपको अच्छा क्वालिटी नहीं मिल पाएगा शायद, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके इतना अच्छा क्वालिटी आपको देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।